नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे गदर 2 वर्सेस जवान, इन दोनों के बारे में क्या क्या बातें चल रही है, उन सब के बारे में आज का वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक से शेयर कीजिएगा। दोस्तों गदर 2 तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है, ऑलरेडी आपको पता ही है। जिस प्रकार से इतने कम स्क्रीन पर और प्लेसेस के बीच में इस फिल्म ने जो बिजनेस किया वो माइंड ब्लोइंग है, सुपर है। और अभी भी फिल्म हार्ड नहीं मान रही है, अभी भी फिल्म चल रही है और ठीक ठाक कलेक्शन कर रही है लिमिटेड स्क्रीन के बावजूद। आज भी फिल्म का कलेक्शन 50 से 60 लाख रुपए आने की उम्मीद है और टोटल इसका 521 करोड़ 60 लाख के आसपास कलेक्शन हो जाएगा आज का मिला करके। और थिएटर ऑक्यूपेंसी आज भी ठीक है, 15% के आसपास थिएटर ऑक्यूपेंसी आफ्टरनून शोज में थी। जहाँ जवान की बात करें तो जवान का भी जो कल का जो कलेक्शन की रिपोर्ट है वो करीब 14.18 करोड़ रुपए की थी, 14.18 करोड़ की, जिसमें से भी दोस्तों हिंदी का 13 करोड़ का था और दोस्तों तमिल का 50 लाख का, तेलुगु का 1 करोड़ का। और जहाँ तक आज की बात करें तो आज फिल्म करीब आज 12 करोड़ के आसपास कमाई करने वाली है। तो टोटल मिला के इसका 520.28 करोड़ का कलेक्शन हो जाएगा 14 दिनों का। 500 करोड़ के क्लब में एंट्री कर चुकी थी फिल्म, कल ही कर चुकी थी एक्चुअली। और जहां तक इसके बात करें कि जो इसका वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन बताते थे वो आपको 906.05 करोड़, 13 दिनों का 906 करोड़ रुपए। वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 508.28 करोड़ रुपए है, 13 दिनों का हो गया है इसका जो सभी भाषाओं को मिला करके नेट कलेक्शन। और 611 होते हैं इसका ग्रोस कलेक्शन इंडिया का। और 295 करोड़ रुपए फिल्म ने ओवरसीज से कमा लिए। तो ये तो थी इन दोनों फिल्मों की रिपोर्ट कि किस प्रकार के इनके कलेक्शन सारे है। हिंदी का करीब 457 करोड़ के आसपास फिल्म का कलेक्शन हो चुका है और सबसे तेज 450 करोड़ इसने किए, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये है कि दोनों में जंग आगे कहां तक चलती है, क्योंकि एटली कुमार भी गदर के जो निर्देशक हैं अनिल शर्मा जी, उनकी तरह ये चाहते हैं कि फिल्म को ऑस्कर में भेजा जाए। तो ऑस्कर में भेजने की तैयारी वो भी कर रहे हैं गदर जवान को। उधर अनिल शर्मा जी भी फिल्म को ऑस्कर में भेजना चाहते हैं, वो भी तैयारी में जुट गए हैं। तो दोनों फिल्मों को ऑस्कर में जाना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑस्कर में ये भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री नहीं होने वाली है। ऑफिशियल एंट्री के लिए जिन 20 फिल्मों को सिलेक्ट किया गया है उनमें दोस्तों मुख्य रूप से आपको बता दूं, एक तो घूमर है अभिषेक बच्चन की फिल्म, आर बाल्की ने डायरेक्ट किया, अभिषेक बच्चन सी अमी खेर की, बेहद ही शानदार फिल्म है। इसके अलावा एक कपिल शर्मा की जीविका 2 है और एक केरला स्टोरी आई थी, बहुत ही जबरदस्त फिल्म था केरला स्टोरी, उस फिल्म को भी सिलेक्ट किया गया ऑस्कर के लिए। इसके अलावा और भी कई फिल्में हैं, द स्टोरी टेलर है, एक मराठी फिल्म है और भी 2-3 फिल्में जिसका मुझे अभी अच्छी तरह से याद नहीं है, लेकिन लगता है घूमर तथा द केरला स्टोरी में से किसी फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजा जा सकता है भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल एंट्री के रूप में, क्योंकि इस समय केरला में एक फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से स्क्रीनिंग की जा रही है। इन 20 फिल्मों को चुना गया है, इनमें से स्क्रीनिंग कर करके एक फिल्म को फिर ऑस्कर के लिए सिलेक्ट किया जाएगा भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री में। लेकिन गदर 2 और जवान को भी ऑस्कर में भेजे जाने की तैयारी फिल्म के मेकर्स अपने स्तर पर कर रहे हैं। तो ठीक है, देखते हैं वहां पर भी जंग कौन जीतता है। जहां तक बात करें इस जंग की, तो दोनों ही फिल्मों का कलेक्शन तो जबरदस्त है। आप जानते हैं गदर 2 का तो लिमिटेड स्क्रीन पर जिस प्रकार के इसने कलेक्शन किया है, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो चुकी है। अभी भी टिकी हुई थिएटर्स में अभी भी कलेक्शन इसका 50-60 लाख रुपए की रेंज में पर डे में आ रहा है और जल्दी ही पठान का रिकॉर्ड तोड़ देगी। लगभग 521.60 करोड़ के लगभग कलेक्शन हो गया है। जवान का मैंने आपको कलेक्शन की रिपोर्ट बताई थी, लेकिन ये कंट्रोवर्सी यहीं पे समाप्त नहीं होती है दोस्तों। कंट्रोवर्सी अभी चल रही है, कंट्रोवर्सी इस बात को भी लेकर चल रही है कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता है जयराम रमेश जी ने, उन्होंने भी एक मांग कर डाली है कि आपने जिस प्रकार से गदर 2 को संसद में दिखाया तो उसी प्रकार से जवान को भी संसद में दिखाइए अगर आप में हिम्मत है तो, इस तरह के मतलब एक बयान कांग्रेस की तरफ से है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जी तो हर सभा में जवान का गुणगान कर ही रहे हैं और बता रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ फिल्म है, बीजेपी को बेनकाब करती है ये फिल्म, इस तरह से। जबकि बीजेपी के प्रवक्ता जो नाम में उनका भूल गया शायद गौरव भाटिया है शायद, उन्होंने कहा था कि ये हमारे खिलाफ नहीं है, इसमें जो भी कारनामे दिखाए गए वो कांग्रेस सरकार के किए हुए, चाहे वो किसानों की समस्या हो, उनके शासन में ही किसान आत्महत्या करते थे और उनके शासन में ही ये जो जंग लगी हुई हथियार खरीदे जाते थे, इस तरह से कई बातें। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि शाहरुख खान पंजा दिखाते हैं लास्ट में पंजा, तो जो कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है, तो कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। और वोट मांगने वाला जो उनका डायलॉग है वो अरविंद केजरीवाल जी का डायलॉग है, तो वो कह रहे हैं कि हमारा भी प्रचार इसमें हुआ है। वहीं फिल्म के जो विलेन बने हैं विजय माल्या का जो उनका लुक है विजय सेतुपति का, तो उसको भी लोग कह रहे हैं कि उसमें मोदी जी का डायलॉग डाल दिया गया है, वाह क्या सीन है, ऐसा डायलॉग मोदी जी ने भी एक सवाल में बोला था। यहाँ पे विजय माल्या के विजय सेतुपति भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सब अपने अपने अर्थ निकाल रहे हैं फिल्म के प्रति।
कोई कह रहा है हमारे खिलाफ नहीं, वो कह रहा है कि हमारे खिलाफ है, वो कह रहा है कि इसके खिलाफ है, वो कह रहा है उसके खिलाफ है, सभी में एक जबान को लेकर के एक जंग छिड़ी हुई है। अब सिस्टम के विरुद्ध फिल्म भी बताया जा रहा है, सरकार के विरुद्ध भी बताया जा रहा है, जिस प्रकार से लाल आतंकवाद को महिमा मंडित किया गया है उसके बारे में भी बातें हो रही है। कलेक्शन के बारे में भी अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही है, शाहरुख खान के प्रशंसक बोल रहे हैं कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए 3 दिनों में, वहीं सनी देओल के प्रशंसक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि कॉरपोरेट बुकिंग कलेक्शन सब कुछ बातें चल रही है मतलब सोशल मीडिया पे। लेकिन जो भी हो ये जो दिलचस्प जंग है वो लगातार देखने को मिल रही है। जैसे जवान रिलीज हुई गदर 2 के शो कम कर दिए गए थे, आप जानते हैं लिमिटेड डिस्क्रीन्स कर दी गई थी और ये आरोप लगा था कि जबरदस्ती फिल्म को हटाया जा रहा है जबकि फिल्म अच्छा कलेक्शन कर रही थी। और ये बात यहाँ प्रसिद्ध हो जाती है जब फिल्म अभी पिछले रविवार को 1 करोड़ 12 लाख का कलेक्शन करती है तो काफ़ी ये भी एक बात। और अभी भी फिल्म चल रही है ठीक ठाक, शो बहुत कम शोज है, बहुत कम स्क्रीन्स है, लेकिन ये सब बातें सोशल मीडिया पे लगातार चल रही है। अब सबका अलग अलग नजरिया है, शाहरुख खान के प्रशंसकों का अलग नजरिया है, सनी देओल के प्रशंसकों का अलग नजरिया है, देखते हैं। सबको अपनी अपनी बातों पे दृढ़ रहते हैं, सब अपनी अपनी बातों पे टिके हुए हैं। जो भी आपकी राय है आप भी अपने अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त कीजिएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और गदर 2 के बारे में ये तो निश्चित रूप से कहा जाएगा कि जिस प्रकार से फिल्म को इतने कम स्क्रीन्स मिले और जिस प्रकार से इतनी फिल्मों के साथ इसका क्लेश हुआ और जितना कम इसका बजट था, 60 करोड़ बजट है इसका और कम से कम 8-10 गुना ये अपने बजट से कमा चुकी है। जवान का बजट 300 करोड़ है तो अभी जवान को अपने बजट से 2 गुना भी कमाना में अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो इन सब बातों के तर्क वितर्क चल रहे हैं, कुतर्क भी मान सकते हैं आप, कई तरह की बातें चल रही है। वो कह रहा है ये बड़ी ब्लॉकबस्टर है, गदर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गदर वाले कह रहे हैं कि आप सारी अगर इन परिस्थितियों का ध्यान दोगे तो साफ साफ गदर इज विनर, गदर के बराबर कोई फिल्म नहीं है। और जिस प्रकार से थिएटर्स में यह मतलब एक माहौल दिखा था उत्सव का फेस्टिवल का, तो वैसा माहौल यहाँ पे नहीं दिखा, जवान फिल्म का नहीं दिखा। तो इस तरह की कई बातें लगातार दोस्तों सोशल मीडिया पे चल रही है। तो इन सब बातों से मैंने आपको अवगत कराया है, आपके भी अपने अपने विचार हो सकते हैं, अपनी अपनी राय हो सकती है। जो भी आपके विचार हो, जो भी आपके राय हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और ऑस्कर की दौड़ में अगर दोनों फिल्म जाती है तो आपके हिसाब से कौन सी फिल्म ऑस्कर जीत सकती है, या क्या भारत की तरफ से इनमें से किसी फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजा जाना चाहिए, केरला स्टोरी और घूमर को नहीं भेजना चाहिए, या केरला स्टोरी या घूमर को में से कौन सी फिल्म को आपको ऑस्कर में देखना चाहते हैं आप? जो भी आपकी राय आप बताइएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम, जय बोलना।